हमारी धुली हुई पालक है, अब इसे हमें उबालने के लिए रखना है और 2-3 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये ले लिया हमने पीने वाला पानी, इसको हम उबालेंगे और जब ये उबल जाएगा तो उसी बीच हम डालेंगे पालक को 2-3 मिनट के लिए, ताकि वो उबल जाए। हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, ओनली फॉर 2-3 मिनट्स। अब चेक करते हैं हम अपना पानी गर्म हुआ कि नहीं। तो इसमें बबल्स आने लग गए, इट मीन्स कि गर्म हो चुका है पालक के लायक। तो ये रही हमारी पालक, थोड़ा थोड़ा कर अब पालक उबल गई है, इसको जो है ना निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे। यानी तीन लोगों के हाथ है, अलग अलग उंगलियां दिख रही है, कुछ में पॉलिश है, कुछ में एकदम से लाल लाल आ जाता है, कुछ में है ही नहीं। बारीक काट लो वरना मिक्सी में लगेगा टाइम, इतना तो कर ही सकते हैं। ये होगी पालक हमारी पिस गई है, गैस ऑन, अपनी नीड के अकॉर्डिंग डालो ऑयल, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, एंड आई लाइक लिटिल मोर। सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग, और अब इसमें हम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनते रहना है, चलाते रहना है ताकि जल नहीं जाए। प्रो टिप इज कि आपको अगर जल्दी ठंडा करना है पालक को, उसका कलर मेंटेन रखना है, तो आइस वाटर यूज करो। जल्दी डालेंगे, पानी डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि हल्दी जलेंगे। पालक डालने जा रहे हैं और मसाले हम बाद में डालेंगे, और इसी स्टेज पे हम थोड़ा सा करी पत्ता पाउडर डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक इतना, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें जस्ट हल्का फ्लेवर चाहिए। और अब सारी पालक हुआ है रेजिड्यूल, उसमें हम पानी मिला के उसको थोड़ा पतला कर लेंगे, बहुत ठीक है। अभी 2 मिनट्स रखना है इसको, इससे ज़्यादा नहीं, मोर देन। और हम इसमें अब डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये छोटी चम्मच है, ठीक है, ज़्यादा लग रहा होगा पर ज़्यादा नहीं है। कौन सा सॉल्ट था वैसे? दिस इज सेंधा सॉल्ट, द रॉक सॉल्ट, वी यूज ओनली सेंधा एंड रॉक सॉल्ट, एंड इट इज बेस्ट फॉर हेल्थ, यू नो। दिस करी इज गोइंग टू अबाउट अ हेल्दी करी, सुपर हेल्दी करी, लेस मसाला, लेस सॉल्ट एंड मोर हेल्थ। हमारा बॉइलिंग स्टेज पे आ गया है, इसको मिक्स कर लेंगे। दिस इज माई वे टू मिक्सिंग।
ऐड पनीर, क्रीमी पनीर, और इसके साथ ही हम प्याज को कर देंगे ऑफ। जो भी इसका बचा हुआ हीट है उसमें पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज आवर पालक पनीर।